Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2,200 selections since 1999. This is a seven-minute current affairs series called To the Point. Zid se, Jeet tak. Hi, everyone. अच्छा एज वी आर मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स डिजिटल इकोनमी हम डिजिटलाइजेशन हर जगह प्रमोट कर रहे हैं हमारी गवर्नेंस से लेके हेल्थ केयर से लेके लाइक एवरीथिंग एजुकेशन एवरी फील्ड दैट यू कैन थिंक ऑफ वहाँ पे जो है आपकी डिजिटलाइजेशन जो है वो आ गई है ऑल्सो वी हैव प्लान लाइक डिजिटल इंडिया और हमारे बाकी जितनी भी चीजें हैं वो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं एवरी गवर्नमेंट सर्विस वो ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट सर्विस आपको जो है डिजिटली uh, अवेलेबल होती जा रही है धीरे धीरे इसके अलावा वी हैव सर्टन प्रोजेक्ट्स आई एम फॉरगेटिंग द नेम बट उसमें यह है कि हर ग्राम पंचायत तक जो है आपको ब्रॉडबैंड पहुंचाना है कमेंट्स में मुझे लिख के बताइए क्या उस, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का क्या नाम है उस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर जिसके अंडर ये हो रहा है राइट right? तो ये सारी चीजें जब हो रही हैं बच्चे दैट मींस दैट इकॉनमी इज अंडर ट्रांजिशन है ना ये फिजिकल फॉर्मेट से बदल के ये अब आपका ऑनलाइन फॉर्मेट के अंदर जा रहा है लेकिन इसके अंदर एक है दैट दिस जनरेट लॉट ऑफ ई वेस्ट राइट अब ई e वेस्ट जो है वो अगर इसको आप कैटेगरीज में तोड़ना चाहो तो वो दो कैटेगरीज में जुड़ता है एक वैसे वाला डेटा जो आपके काम में नहीं आता दूसरा आपका फिजिकल ई वेस्ट एनीथिंग रिलेटेड टू योर इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि बाद में वेस्ट हो जाता है इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज के अंदर पीरियॉडिक टेबल के ज्यादा नहीं तो 40 या 45 के आसपास जो एलिमेंट्स हैं राइट वो आपके एक डिवाइस के अंदर यूज होते हैं कि कहीं पे कोई किस टाइप की वायर है कहीं पे किस टाइप की वायर है सिलिकॉन की चिप बनी हुई है राइट एंड एंड टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर लेकिन जब हम रिसाइकिलिंग करते हैं ये वैसे बाकी चीज़ों पे भी अप्लाई होता है वेन वी रिसाइकल राइट तो हमको उन एलिमेंट्स को इंडिविजुअली तोड़ना होता है है ऐसा नहीं है कि आप अगर आपने प्लास्टिक भी रिसाइकल करना है जो होते हैं, तो आपको एक ही टाइप का प्लास्टिक इकट्ठा करना पड़ेगा अगर आपको एक कॉपर की जो वायर है उसको रिसाइकल करना है दैट कि आपको आउटर केसिंग जो है उसको अलग से करना होगा कॉपर वायर को अलग से करना होगा अंदर से तो इसके अंदर प्रोसेसिस इन्वॉल्व होते हैं दैट मीन्स दैट इफ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स अ डिजिटल वर्ल्ड राइट ध्यान से सुनिए इस बात को तो आपको ग्लोबल ई वेस्ट का भी ध्यान रखना पड़ेगा राइट

है ना और चार ऑप्शन दे देगा वो और चारों ही अपने मतलब अजीब से होंगे क्योंकि ये अगर आप यूनाइटेड नेशंस भी पढ़ते हो तो यहाँ तक इनके इंस्टीट्यूट्स तक हम नहीं पहुंचते हैं बहुत सारे हैं क्योंकि ये है, है, इंस्टीट्यूट हैं यू एन के राइट पर अब क्योंकि ये न्यूज में आ गए और जैसे मैंने आपको इसका कॉन्टेक्ट दिया कि अगर हम इसको ढंग से पढ़ना चाहें जैसे मैंने आपको कॉन्टेक्ट दिया कि अगर हम इसको ढंग से पढ़ना चाहें राइट तो आपको डिजिटल इंडिया के कॉन्टेक्स में पढ़ना पड़ेगा कि इंडिया का फ्यूचर किस तरफ को जा रहा है इन एनी केस हमें ये सब चीजें चाहिए हैं हमको अपनी वेस्ट मैनेजमेंट में के ऊपर जो है काम करना है चलिए बच्चे रिपोर्ट देखते इट रिसेंटली रिवील दैट बिलियन ऑफ किलोग्राम्स ऑफ ई वेस्ट आर जनरेटेड एनुअली विद ओनली राइट अगर आप रिसाइकल नहीं कर रहे दैट में अब नई की तो प्रोडक्शन हो ही रही है

डिफरेंट काइंड ऑफ बैटरी जारी है बट मोस्टली डिमांड आपकी जो है वो स्का रॉकेट हो रही है लिथियम को आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा है ना वो ओवर के थ्रू आपको एक्सट्रैक्ट होगा इसकी वजह से आपका जो इन्वायरमेंट है वो खराब होगा एक सोल्यूशन है कि ऑलरेडी जो आपके पास में आ, घूम रहा है ई वेस्ट उसमें से आप वो एलिमेंट जो है वापिस से एक्सट्रैक्ट करो ताकि इन्वायरमेंट के ऊपर जोर कम से कम जाए राइट दिस इज द आइडिया बिहाइंडिक्सटी टू मिलियन टन ऑफ ई वेस्ट जनरेटेड इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू और ये वाला नंबर अगर आपको याद रह जाता है तो वेल एंड गुड है नहीं रहता है तो ट्वेंटी टू परसेंट को याद करना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है इट इज रफली वन फिफ्थ बीस के हिसाब से बीस परसेंट के हिसाब से आप लिख सकते हो रफली वन फिफ्टी या रफली वन फोर्थ है ना कि इतना ही हम रिसाइकल कर रहे हैं बाकी सारा आपका एक्चुअली लैंड फील्स में पड़ा है वो सारा का सारा वेस्ट आपका पर मतलब टेक्निकली अभी वेस्ट है वो बट उसके अंदर आपके सारे बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसको हमें रिक्वायरमेंट है डेली बेसिस पे द रिपोर्ट ऑल्सो हाईलाइट दिक्सटी टू बिलियन केजीज ऑफ ई वेस्ट बच्चा ये आपका प्री प्री के हिसाब से जरूरी है वो आपको रिपोर्ट का नाम देके पूछ, सक, पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है

यूरोप लीड इन दी पर कैपिटल ई वेस्ट जनरे एशिया जनरेट्स हाफ ऑफ दर्ल्ड ई वेस्ट कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट uh, है ये पर कैपिटल ई वेस्ट जनरेशन यूरोप की है लेकिन एशिया जो है वो ओवरऑल कलेक्टिवली जो है वो ज्यादा ई वेस्ट जनरेट करता है यहां पे सीधा सीधा पॉपुलेशन का गेम चलेगा बच्चे पॉपुलेशन ज्यादा है हेंस uh, ये आपका जो स्टेटमेंट है इट सेंस डिस्पाइट द इंक्रीज इन ई वेस्ट द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्रीज इंप्लीमेंटिंग ई वेस्ट पॉलिसीज इज स्लोइंग डाउन इंटरेस्टिंग रिसाइकलिंग रेट फॉर स्मॉल इक्विपमेंट कम्प्राइजिंग वन थर्ड ऑफ टोटल ई वेस्ट रिमेन लो एट ट्वेल्व परसेंट इनमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है बच्चे आपके प्री के, अंदर के आ सकती है per capita e की बात हो रही है बच्चे एंड जस्ट फॉर योर ट्रिव्या आई है डू चेक इट आउट एंड ये आपका ओशनिया का मैप है पॉज वीडियो राइट right, इसको आप स्क्रीनशॉट uh, ले लीजिए और पढ़िए इसको राइट वाचिंग द वीडियो दिस दिसन मिनट टू द पॉइंट सीरीज स्पेशली डिजाइंड फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इफ यू विश टू कवर योर करंट अफेयर्स होलिस्टिकली फॉर योर मेंस एज वेल एज फॉर यंटरव्यू प्लीज चेकआउट अभिमन्यू आई एस करंट अफेयर मास्टर कोर्स ट्वेंटी It is based on Trishul model. You will be getting three things: number one, weekly classes; number two, weekly PDFs of current affairs; number three, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se, jeet tak. And if you are zidhi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough. For your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.